स्वागत है भाई, स्वागत है डीएस ठाकुर जी का, स्वागत है। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरल के वाड़ी में चल रहे दो दिवसीय सघन बागवानी प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को समापन हो गया, जिसमें जिला मार्केट कमेटी अध्यक्ष डीएस ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बागवानी के विकास को बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है और बागवानी से लोगों की आय बढ़ाने के लिए अच्छी किस्म के विदेशी पौधे उपलब्ध करवा रही है। उद्यान विभाग चंबा द्वारा बागवानी विकास परियोजना के तहत सघन बागवानी बारे आयोजित इस दो दिवसीय शिविर में बागवानी के गुण सिखाए गए। इस मौके पर भाजपा मंडल डलहौजी के अध्यक्ष विजय ठाकुर, पंचायत समिति अध्यक्ष खिनेश कुमार, खरल पंचायत उप प्रधान रवि कुमार, बीडीसी किशोरी लाल डलहौजी, भाजपा मंडल के तमाम पदाधिकारी, विभिन्न विभागों व वानिकी विभाग के अधिकारियों सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। किसानों को सरकार के द्वारा चलाई गई जितनी भी स्कीम है उनके बारे में बताएं और किसानों की आय दोगुनी हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के जयराम ठाकुर जी जो किसानों की चिंता करते हैं और विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं जिसके ऊपर सब्सिडी भी मिल रही है, वो फलदार पौधों के ऊपर, जैसे हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बताया कि सेब के नए जो हमारे पौधे आए हैं वो दो साल में कैसे कितना एक पौधा सेब देगा और हमारे उससे भी किसानों की आय जो दुगनी होगी, उसके उत्पादन के लिए सरकार की ओर से 50% सब्सिडी, फलदार खेती करना उसके लिए 50% सब्सिडी, पोलियो हाउस निर्माण के लिए 85% सब्सिडी, पानी के टैंक का निर्माण के लिए 50% सब्सिडी, सब्जियों की खेती करना उसके लिए 50% की सब्सिडी, पावर टेलर के ऊपर अनुदान योजना 50% सब्सिडी, पंप इत्यादि लगाना पानी की लिफ्ट स्कीम उसमें 50% की सब्सिडी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना जितनी भी है उसमें शहद के जो शहद की मधुमक्खी का जो पालन करते हैं उसके ऊपर 80% सब्सिडी, ऐसी अन्य योजनाएं जो हैं वो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और विभाग इसके ऊपर गांव-गांव में आके इसका कैंप लगा रहे हैं, हमारे किसानों को जानकारी भी मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, हिमाचल विकास योजना के अधीन खेती करने का अनुदान योजना, फलों की खेती करने हेतु विभिन्न मशीनों में खरीदने के लिए उसके लिए सब्सिडी, विभाग द्वारा विभिन्न उपकरणों का अनुदान पर बागवानों को उपलब्ध करवाना, कैंची, आरियां, पानी के टैंकियां, अन्य ऐसी जो सब्सिडी के ऊपर हमारे किसानों को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं और बागवानों को विदेशों से अच्छी किस्म के फलदार पौधों को अनुदान पर ऊपर किसानों को देना, जैसे सेब, नाशपाती, अखरोट इत्यादि, इससे किसानों की आय दुगनी होने के सीधे सीधे जो है सरकार की ओर से योजना है, किसान इसका लाभ उठाएं। हमारी यहाँ की खेती अच्छी है, अच्छा यहाँ का वातावरण है और मैं हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब जो हैं सुनील बस्ती जी से, इनसे मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ की थोड़ी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हमारे किसानों को आप जागरूक करें